हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कि अभी अभी रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक ने 468 पोस्ट लाया है क्लर्क के लिए। तो अभी अभी ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्लर्क के लिए, 468 पोस्ट के लिए। देखिए इसमें इसकी लास्ट डेट कब तक है, कब से ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसमें टोटल पोस्ट जो 468 है और कहाँ कहाँ से कितना पोस्ट निकला है, सारे डिटेल आज हम लोग बात करेंगे और इस फॉर्म को जरूर जरूर आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि आपका यही बनता है यहाँ पे कि साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है केरला में, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिशूर है लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है केरला, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है इसके बारे में डिटेल। सबसे पहला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसका स्टार्टिंग डेट आज ही आया है रिसेंटली फॉर्म, ठीक है। तो 12 जो है तो 20 दिसंबर से जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ऑनलाइन स्टार्ट है, ऑफलाइन मोड में नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। और इसका जो है लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट 30 दिसंबर तक आपके इसका रखा गया है और ऑनलाइन मोड पे ही सिर्फ फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम टेंटेटिव डेट है आपके जनवरी में एग्जाम होगा 2018 में। तो इसमें इससे रिलेटेड काफी सारा चीज हम आपको बताने जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है कि साउथ इंडियन बैंक का, ये लिंक जो है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मैं आपको इससे जस्ट नीचे आपका एक यूट्यूब पे लिंक दे दिया हूँ, इस लिंक को आप जरूर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस बैंक के बारे में, यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा क्या क्या है इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो बात करते हैं कि ये कितने पोस्ट कहाँ से है, तो लास्ट डेट तो आपको पता चल गया, उसके बाद 31 दिसंबर, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे आप। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल मिलाकर 468 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका केरला में है, तमिलनाडु में 68 है, इसमें 35 है, और दिल्ली एनसीआर जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वाले के लिए, जिसमें 25 पोस्ट है, ठीक है। तो आपके इसलिए इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। तो देखिए इसमें और क्या क्या है इसमें, देखिए सबसे पहला है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन अप टू ओवरऑल 60% मार्क्स होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन में 60%, 10th में भी 60%। देखिए अगर 60% से मार्क्स कम है, किसी का अगर 59.99% है, तो उसको राउंड राउंड फिगर में आप 60 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको लिए अलाउ नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो 60% में 60 होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और आपका ओवरऑल 60% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन का जो डिग्री है 31 दिसंबर 2070 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। एज क्या है इसके लिए, तो 26 ईयर से कम एज वाले ही इसको फॉर्म को फिल करेंगे, 26 ईयर से ज्यादा हो जाता है तो वो नहीं भर पाएंगे। और वो एज कब तक माना जाएगा 26 ईयर, तो 31/12/2017 यानी 31st December 2070 तक, ठीक है, आपका 26 ईयर हो जाना चाहिए और या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उधर और उससे कम से कम कितना, यानी कब के बाद, यानी आप जो है 1 जनवरी 1992 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक के बीच के अगर आपका एज है तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसके लिए जो है जैसे एससी और एसटी है, देखिए फ्रेंड्स एक होता है एससी एक होता है एसटी। तो एसटी उसको बोलते हैं जो इकोनॉमिकली सोशली और कल्चर वाइज तीनों से वीक होता है उसको एसटी बोलते हैं, और जो इकोनॉमिकली और सोशली जो जो है सो वीक होता है कल्चर वाइज ठीक रहता है उसको एससी बोलते हैं। तो ये दोनों आरक को 5 साल का आरक्षण दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कैंडिडेट है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जहां पे आप परमानेंट आप रहते हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं तभी आप दिल्ली से भर पाएंगे, अगर या नहीं तो आप कम से कम 5 साल अगर वहां गुजार चुके हैं दिल्ली में, ठीक है, तो उसके बाद भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। वहां के आपको एड्रेस देना पड़ेगा कि दिल्ली में हम लास्ट 5 ईयर से काम कर रहे हैं, और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज तो मस्ट है और आपका वहां का रीजनल लैंग्वेज भी जरूरी है। तो अदर रिक्वायरमेंट में ये है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि जैसे आपको सपोज करते हैं कि केरला से है तो वहां का प्लेस ऑफ डोमिसाइल तो केरला का होना ही चाहिए, ठीक है, और जिस और वहां का जो लैंग्वेज है मलयालम, ठीक है, वहां का लैंग्वेज भी जानना जरूरी है, साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है। लेकिन आप अगर आप दिल्ली एनसीआर से फॉर्म फिलअप करते हैं तो दिल्ली का डोमिसाइल हो ठीक है, और नहीं है तो कम से कम अगर आप 5 साल से दिल्ली में रहते हैं तो वो आपको रेसिडेंशियल जो है सो आप एक सर्टिफिकेट बनाकर अगर देते हैं, ठीक है, और साथ साथ हिंदी आपको लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है सो क्वालिफिकेशन का लास्ट कब तक होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, 31 दिसंबर 2017 तक आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए।
साथ साथ जो है सो आपका क्या है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस से अगर आपने किसी ग्रेजुएशन किया है तो वो उसके लिए अलाउ नहीं किया गया है इस बार, ठीक है। 10th 12th ये फुल टाइम जो है कोर्स होना चाहिए, साथ साथ ग्रेजुएशन। जैसे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आपका इग्नू से कर लिया, डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से कर लिया ग्रेजुएशन, ठीक है, सिक्किम मणिपाल डिस्टेंस लर्निंग से कर लिया, तो वो सबके लिए ये अप्लाई नहीं कर सकता ये फॉर्म को। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय मोड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। और आपका कितना मस्ट परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 60% और उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। जैसे देखिए अगर आपने स्कोर किया है कि 59.99% तो कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ 60%, इसको हम लोग 60% नहीं मानेंगे, इसको लिए अलाउ नहीं किया गया है। उसके साथ साथ क्या है, देखिए आपका अगर जो जॉब लगता है, जैसे इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा 6 मंथ, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको कॉन्फर्मेशन दिया जाएगा जब वो सेटिस्फाई हो जाए आपके परफॉर्मेंस से, आपके कामों से, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो है सो सैलरी का जो है सो आपका पे स्केल है ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 30 से 31 हज़ार पर मंथ आपको बन सकता है, 24 हज़ार से 30 हज़ार तक, 30 से 31 हज़ार तक पेमेंट आपका बन सकता है इसके लिए जो कलर के लिए है, ठीक है। साथ साथ आपको DA HRA ये सारे एज पर गवर्नमेंट रूल्स बैंक का जो है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते जाएगा। साथ साथ ये एग्जाम का जो मोड है सिर्फ ऑनलाइन और पर्सनल इंटरव्यू है, आपके दो मोड है इसमें, एक तो आपको ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम से जो बहुत सारे शॉर्टलिस्टेड होंगे उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सो आपका देखिए यहाँ पे इस फॉर्म का जनरल कैटेगरी और ओबीसी सबके लिए है 600 रुपये का फॉर्म है, 600 रुपीज जो कि ऑनलाइन मोड्स में आपको पेमेंट लेगा, चाहे नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड से। और SC ST के लिए मात्र वो 150 रुपये रखे गए हैं, ठीक है, इसमें सारा फीस इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए आप जो है सो हाउ टू अप्लाई डिटेल जो है सो इसका देखना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और वहां से एक एप्लीकेशन आएगा, उसको प्रिंट करके अपने मेल पर रख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, आज से स्टार्ट हो गया है 30 दिसंबर, जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कर ले ताकि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से ना निकल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है सो फीस जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नॉट नॉन रिफंडेबल, मतलब रिफंड नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ठीक है। और ये जो है सो पेमेंट का मोड आपको पता ही चल गया, सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल है जो आपका पेमेंट से रिलेटेड, जैसे आप या तो डेबिट कार्ड से, रुपए, वीजा, मास्टर मेस्ट्रो कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, ये किसी भी तरह से आप पेमेंट आप ये बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ देखिए कैंडिडेट को जो है ना फोटो का जो साइज होना चाहिए 4.5 cm और सेंटीमीटर से इंटू 3.5 cm का सिग्नेचर जो है इस तरह से फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो गाइडलाइंस भी यही है, अपलोड इस पे इतना साइन एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए, साथ साथ फोटो पे आपका साइन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ना आपका देखिए यहाँ पे इमेज का जो पिक्सल होना चाहिए 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए, और यहाँ पे जो है सो साइज ऑफ जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वो 20 KB से 50 KB के बीच आपका होना चाहिए। सिग्नेचर जो है सो आपका इतना पिक्सल पे होना चाहिए और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और फोटोग्राफ का हमने बताया था DPI, ठीक है ना, डॉट पर इंच ये होना चाहिए आपको, तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा। और उसको जो फॉर्म फिलअप के बाद लास्ट में आप इसको जो है सो प्रिंट करके आप भेजेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया कि फिजिकल कॉपी को सेंड नहीं करना है, अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बैंक में अगर आपका जॉब लगता है तो आपका एग्रीमेंट भी है, अगर आप 3 साल तक आपका जो प्रोविजन अगर आपका चल रहे हैं, 3 साल तक आपका जो टाइम दिया गया है, और 3 साल तक अगर आप किसी आपके कारणवश अगर आप जॉब से छोड़ते हैं तो 75,000 रुपये का 75,000 रुपीज का आपको जो कंपनसेशन जो होता है, जो उसके डैमेज हुई है वो आपको लगा करके, यानी एग्रीमेंट है समझ लीजिए ना, 75,000 का, ठीक है, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पेपर देने जाने का, देखिए यहाँ पे एग्जाम जो होगा सो आपको इतने जगह सेंटर रखे गए हैं, दिल्ली में आपको एग्जाम है, होम सेंटर आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आंध्रा से है तो इतने सारे सेंटर दिया हुआ है इस सब स्टेट में, ठीक है। ये जनरली बैंक है ना साउथ इंडियन बैंक, तो इसीलिए ज्यादा साउथ को प्रेफर कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ज्यादा साउथ में इसकी ब्रांचेज ज्यादा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें चार सब्जेक्ट आपका टोटल मिला के जो चार सेक्शन दिया गया है। देखिए जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपको हम जीए पढ़ाते हैं, अभी तक जो भी हम यूट्यूब का वीडियो पढ़ाए ये सब जरूर पढ़ के जाएंगे और साथ साथ कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भेज चुके हैं उसको जरूर आप पढ़ेंगे। देखिए इस पर टोटल क्वेश्चन जो है सो 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होगा 50, ठीक है, और 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होंगे और उसमें 35 मिनट दिया जाएंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन और आपको टोटल मार्क्स जो है ना 60 होगा, ठीक है, और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एप्टीट्यूड में 50-50 करके है 45, टोटल मिलाकर 160 मिनट का टाइम है, 190 क्वेश्चन है और 200 का मार्क्स है। और इसमें जो पेपर देंगे आपको एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहेंगे और 1/4 आपका पेनल्टी होगा, जब एक रंग गलत होने पर 1/4 मार्क्स इसके कट जाएंगे आपका, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है तो आपको बस इतना ही तक। अगर आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कस्टमर केयर का एक नंबर है यहाँ पे, इससे फोन करके आप वहाँ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हालांकि इसके नीचे अब मैंने एक लिंक दे दिया है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, करियर प्लेटफॉर्म।